हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू करियर बॉडी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनएफएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा लैग आ गया था बीच में, चूँकि मेरी तबियत खराब हो गई थी। आई नो मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस करा था कि मैं डालूंगा, बट मेरी थोड़ी तबियत खराब है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा यार, थोड़ा आज नॉइस इशू रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी अजीब जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट मैं पहले बता देता हूँ आपको, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको पहले नोट्स करने हैं, बढ़िया करके नोट्स कर लो अपने, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जो मैं कराता हूँ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। एंड देन आफ्टर आप करोगे पीवाईक्यूज, ओके। पीवाईक्यूज आपको करने हैं जेईई के और नीट के। अगर आप बोलोगे तो मैं पीवाईक्यूज भी खुद से सॉल्व करवा दूंगा, बट फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं डिफरेंट बुक से उठाए हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वो वीडियो। सो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट करेक्टली। तो यार, किसी भी केमिकल रिएक्शन में तीन इंटरमीडिएट होते हैं, क्लासिकल, ओके। दो टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, क्लासिकल एक नॉन क्लासिकल। मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल की, एक होता है कार्बोकैटायन, ठीक है भाई, एक होता है नॉन कार्बो, ओ एक होता है सॉरी कार्बो एनायन, वेट, और एक होता है कार्बो एनायन, ठीक है, एक होता है फ्री रेडिकल, ओके। सो यार, आप देखो ध्यान से कैसे करना है। तो यार, हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमको बताना है कौन सा वाला सही बैच है। तो अगर तुम पहला ऑप्शन देखो, जैसे हमारे पास है CH3Cl, तो आपने पढ़ा होगा, या आपको अगर पढ़ा नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ शिफ्ट होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या फिर आप बोलो जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर साइन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ पर आप शिफ्ट करोगे। अब जिस तरफ बॉन्ड जाता है उस पर आता है माइनस, इतना रूल याद रखो। तो CH3+ हो गया एंड CN- हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा है फॉर्मेशन, मतलब येलो ऑप्शन, तो ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको तो दूसरा वाला बोल दिया CH3 एंड कॉपर। अब देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, GR, अगर नहीं पढ़ा मैं बता दूँ, वो RMGX की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। यहाँ पे जो R होता है वो आपका बेसिकली नेगेटिव चार्ज में आता है, यानी बॉन्ड हमेशा इस तरफ शिफ्ट होता है, तो इट विल बी CH3- एंड कॉपर प्लस, ओके। और आप ऐसे भी सोच सकते हो, बट कॉपर एक मेटल है तो प्लस चार्ज पर आना चाहिए, तो ये भी ठीक बना हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है डज नॉट, यानी कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो देखना है। तो यार, यहाँ पे देखोगे तुम ध्यान से, CH3Br अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, तो इधर जाना चाहिए था, यानी होना चाहिए था CH3+ एंड Br-, बट यहाँ बन रहा है भाई CH3। अब देखो, यहाँ पर इंटरमीडिएट सही बना दिया, बट एरो का रिप्रेजेंटेशन गलत है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, थर्ड इज़ रॉन्ग, ओके। यहाँ पे वैसे आप देख सकते हो कि थर्ड इन दोनों के अंदर है, तो ये तो अपना हट जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, अगर तुम यहाँ पे देखो CH3Cl, अब जब भी ऐसा दिखाया जाता है दो एरो चलाए जाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज, तो ऐसे करके दो एरो चलाए, इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल बन के आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, बनना ये चाहिए था, लेकिन बन प्लस माइनस फाइव, मतलब ये भी गलत है, मतलब 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम द अल्कीन्स। ओके यार, जब भी आपसे अल्कीन की स्टेबिलिटी पूछे, ठीक है, अल्कीन की स्टेबिलिटी, तो आप याद रखना वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो ब्लू ले लेता हूँ, ओके। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चेक करना है किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले आपको समझना होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो ये पूरा ग्रुप हो गया एक, ठीक है, ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। अब ये जो अल्फा कार्बन है इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो, ये दोनों ग्रुप में आ गए, ठीक है, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन और ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, ओ सॉरी अल्फा कार्बन बोलूँगा मैं, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3, और ये वाले कितने हो गए, 3, मतलब यहाँ पे टोटल है भाई 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर ये पूरा ग्रुप हो गया, इससे अटैच कार्बन अल्फा, इससे अटैच कार्बन अल्फा, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो 3 इसके आ गए, ऐसे 3 इसके आ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे 3 इसके आ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 3, 3, 9, 9, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। लेट मी चेंज द कलर, सो लेट्स से विद पर्पल। तो यहाँ पे आपके पास है 9 आएगा, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे इसका देखो कि ये ग्रुप हो गया, तो ऐसे लगा लो, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, यहाँ पे टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन।
अब देख लो भाई, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, फोर सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो फोर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन के अंदर है। उससे कम स्टेबल कौन होगा फिर, नाइन वाला, मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए, फोर सबसे ज़्यादा स्टेबल, थ्री उससे कम, टू उससे कम और वन सबसे कम। कौन सा मैच कर रहा है भाई, बी मैच कर, समझ में आया, सारे खेल अल्फा हाइड्रोजन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, थोड़ा स्टेटमेंट बेस है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा है। ठीक है, तो ज़रा इसके लिए हाईलाइटर ले लेते हैं स्टेटमेंट वालों के लिए, तो जस्ट एक हाईलाइटर। तो यहाँ पे कह रहा है फ्री रेडिकल कार्बो, फ्री रेडिकल कार्बोनायन एंड कार्बो एनायंस आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल आपका होता है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बो कार्बोनियम आयन वो होता है सी एच थ्री माइनस, या फिर कार्बो एनायन जो मैं कह रहा था वो इंटरमीडिएट है। हाँ भाई है, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँगा, आपको लगे कि भाई यार ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चेक करते हैं, हाईलाइटर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब मीथेन और क्लोरीन को आप रिएक्ट कराते हो सनलाइट में, याद रखना सनलाइट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो याद रखनी है वो है सनलाइट। जब भी सनलाइट होता है तो यहाँ पे होता है होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, ये सी एच फोर ओ सॉरी सी एच थ्री एच मीथेन हो गया और यहाँ पे सी एल हो गया, यहाँ पे सनलाइट यानी एच न्यू करोगे तो फ्री रेडिकल इसका बनेगा, फ्री रेडिकल इसका बनेगा, तो सी एच थ्री फ्री रेडिकल बनता है एंड सी एल फ्री रेडिकल, फिर आपस में रिएक्शन होता है। वैसे फ्री रेडिकल वैसे इसका बनता है मोस्टली, तो मैं इसको एड्रेस करूँगा रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं रिएक्शन की, बस बताने के लिए। तो यार ऑप्शन भी करेक्ट है, और देखते हैं। अब कह रहा है द इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इन द कार्बन चेन प्रोड्यूस प्लस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होता है क्या वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, नहीं। इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम क्या करता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे मान लो सपोज करो फ्लोरीन, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोस्ट, अगर मैं इसके आगे कोई चीज़ लगा दूँ तो ये क्या करता है, ये अपनी तरफ बॉन्ड को खींचता है। और आपने पढ़ा जो अपने बॉन्ड खींचता है उसे हम बोलते हैं आई वाज सेइंग दैट कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहा है। ठीक है, स्टोरी ऐसी ही है, तो इसका मतलब माइनस शो करना चाहिए, बढ़िया प्लस लिखा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत स्टेटमेंट है, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा होमोलाइटिक फ्यूजन में रेडिकल बनता है, भाई रेडिकल बनता है, इसको इधर पे होगा, इसका उधर पे होगा बॉन्ड को, तो ये रेडिकल बनेगा। ओके, तो सी शुड बी योर आंसर, चूँकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट देखो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन एटम हैविंग माइनस आई मेसोमेरिक इफेक्ट। यार देखो दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है आपका प्लस एम, एक होता है माइनस एम। प्लस एम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी रिंग की तरफ फेंकी जाती है, रिंग में शिफ्ट की जाती है। बट माइनस एम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर दी जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम रिंग लिख देते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम रिंग। स्टोरी क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी पहचान बता दो कि जो कार्बोनिल वाले होते हैं मोस्टली, जिनमें कार्बोनिल ये चीज़ होती है सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, ये आपके माइनस एम वाले होते हैं। अब चेक कर लो कौन सा है यहाँ पे, सी ओ ओ आर। देखो अब यहाँ पे सी ओ नहीं है, ओ है, तो ये तो गेम से बाहर हो गया, है ना। ठीक है, अभी चेक देख लेते हैं, फिलहाल मैं इसको गेम से बाहर एकदम से नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ पे सी ओ आर हो गया, यहाँ पे सी ओ आर। ठीक है, एंड क्लोरीन भाई प्लस एम वाला है, रिंग में फेंकता है, ये माइनस एम वाला है और ये प्लस एम वाला है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ओ एच एन आर एस आर, ये आपके सारे प्लस एम वाले हैं। एन ओ टू सी एन एस ओ थ्री एच, ये भी सारे आपके प्लस एम वाले हैं। एक मिनट हम इनको एक बार देख लेते हैं। एन ओ टू के अंदर कुछ ऐसा होगा सिस्टम, एन ओ टू ऐसा बनेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिटिंग से आ जाएगा। ओके, ये एक अच्छा ऑप्शन बेटर है। ठीक है, साइनाइड में कुछ ऐसा होगा, ये रिंग से लगा हुआ होगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। हाँ, तो ये भी प्लस एम वाला है। देखो ये वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, इसलिए मैं इसको गेम से बाहर कर रहा हूँ, इसे आराम से सी होना चाहिए। ठीक है, समझ के बात को, चूँकि इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एक बार, आप एक बार रेजोनेंस पढ़ो को बता रहे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं इतना आइडिया देता हूँ कि रेजोनेंस कुछ ऐसी होती है, मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ किसी एक की। जैसे मान लो हम एन ओ टू की बना लेते हैं, या रिलेस कर देते हैं और एन ओ टू की बनाते हैं, बता येलो कलर, तो आपको शायद समझ में आए बढ़िया करके। ठीक है, जैसे मैंने लिया ये बेंजीन हो गई, यहाँ पे एन ओ टू ले लिया मैंने, मान लो यारा बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा प्लस का चार्ज,
उस पर आ गया माइनस का चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड सीधा इधर की तरफ जाएगा। अब देखो रिंग से बाहर बॉन्ड जा रहा है, फिर ये आपकी रेजोनेंस चलेगी प्रॉपर कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो इधर आ जाएगा फिर डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे रहेगा ओ माइनस, इधर आ गया प्लस, फिर ये वाला बॉन्ड जो इधर शिफ्ट होगा तो रेजोनेंस चलेगा। आपको ग्रुप पहचानना है तो मैंने आपको ग्रुप का आइडिया दे दिया। अच्छा ओ आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओ आर में सीन ऐसा बैठेगा। लोन पर आ गया इस पर, तो ये लोन पर अंदर की तरफ जाएंगे, इसलिए ये आपका प्लस एम आ गया। समझ में आया भैया कुछ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, सो लेट टेक इट ब्लैक, नहीं ब्लैक तो इसको दिखेगा नहीं, सो वी विल टेक ग्रीन। सो यहाँ पे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग में लगाना है भाई। तो पहले देख लो उसमें कौन कौन सा स्टेबल है। अब जैसे अल्कीन आता है तो देखो, मैं वैसे एक बार आपको पहले एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं रेजोनेंस, उसके बाद फिर हाइपोकॉन्जुगेशन, सॉरी सो मेसोमेरिक एंड देन इंडक्टिव, ठीक है। सॉरी मेसोमेरिक भी एक ही चीज़ होती है, तो मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ। कुछ ऐसा सीन रहता है, आप पहले रेजोनेंस देखते हो, उसके बाद हाइपोकॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव है। सबसे एरोमेटिसिटी भी देखी जाती है, लगाने का तरीका होता है। अब रेजोनेंस में दो टाइप की होती है, एक होती है डांसिंग रेजोनेंस, तो मैं समझाऊंगा आपको अभी, और एक होती है जो आपने रेजोनेंस सिंपली पढ़ी होगी अपने नोट्स के अंदर, सिंपल वे रेजोनेंस। अब आप करना क्या है यार, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि मैं अगर ऑर्डर आपको बताऊं तो ऑर्डर ये रहता है कि सबसे पहले आपका रहता है डांसिंग रेजोनेंस वाला जो भी कंपाउंड होगा वो स्टेबल रहेगा, उसके बाद फिर आपका रहता है, सॉरी फॉर दैट, 3 डिग्री, उसके बाद फिर अलाइलिक, ठीक है, उसके बाद फिर आपका रहता है 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ये ऑर्डर रहता है। अब इसमें हम चीज़ों को फिट करने का ट्राई करते हैं। तो देखो ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये वाला आपका हो गया अलाइलिक कार्बोकैटायन। अलाइलिक पहचानना आता है ना, डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर आपका कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये अलाइलिक हो गया। ये वाला आपका हो गया विनाइलिक, ठीक है। चलो अभी हमने विनाइलिक आपको बताएंगे, और ये वाला भी आपका हो गया लगभग रेजोनेंस लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि फिनाइलिक रेजोनेंस लगाएगा। और अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, जब भी आपका कार्बोकैटायन पे एक 3 नवंबर की रिंग लगी हुई हो तो वो शो करती है डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो ये सबसे स्टेबल फिफ्थ होना चाहिए, सबसे स्टेबल फिफ्थ है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब इससे कम स्टेबल कौन होगा, इससे कम स्टेबल होगा इसमें रेजोनेंस होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस वाला कौन सा दिख रहा है भाई, रेजोनेंस वाला ये है, यानी कि फोर्थ आना चाहिए। उससे कम स्टेबल कौन होगा, उससे कम स्टेबल होना चाहिए आपका कौन सा वाला, अलाइलिक या विनाइलिक, सोच के बताओ क्या लग रहा है। उससे कम आपका स्टेबल होना चाहिए फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला, ठीक है। 3 डिग्री वाला आ गया, एक मिनट, विनाइलिक इज मोर, सॉरी हाँ विनाइलिक ये वाला होना चाहिए, थर्ड वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला, फिर आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद फिर आपका सेकंड होगा, ठीक है। तो योर ऑप्शन शुड बी लाइक दिस, डी शुड बी करेक्ट। समझ में आ गया, सारा खेल डांसिंग रेजोनेंस का था। मैंने क्या करा, पहले मैंने डांसिंग रेजोनेंस देखा, उसके बाद रेजोनेंस देखा, रेजोनेंस के बाद फिर मैंने देखा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर हमने देखा कि यहाँ पे आपका अलाइलिक से ज़्यादा होता है 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री मुझे मिल गया, ठीक है। तो फिर मैंने बन लिया, और विनाइलिक इससे कम होता है, ठीक है। किधर है यहाँ तक स्टोरी, यार स्टोरी समझ में आ गई है प्रॉपर, डन, ग्रेट। देखो यहाँ पे भी उसका ही फर्क है सारा, एक चीज़ का 3 डिग्री और अलाइलिक। ओके नेक्स्ट देखते हैं। सो ऑर्डर शुड बी योर फिफ्थ सबसे ज़्यादा, देन फोर्थ, देन थर्ड, देन वन, देन सेकंड सबसे कम स्टेबल। अच्छा स्टेबल क्यों नहीं होता यार, ये बॉन्ड इधर जाएगा माइनस, ये तो शिफ्ट हो जाएगा, बट यहाँ माइनस आ जाएगा, दोबारा प्लस आ जाएगा, फिर कैसे स्टेबल रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर, और प्लस यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन भी नहीं बन पा रहा है फॉर रेजोनेंस। ओके एनीवे, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिलो द मेंशन कार्बोकैटायन। अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की वो आपकी डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट पर, है ना, और इनवर्सली होता है माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई कहाँ का लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों रिंग है, ध्यान रखता है जब रिंग छोटी होती है तब आपका माइनस आई लगता है। तो ये तो सबसे स्टेबल होना चाहिए फोर्थ, तो ये फोर्थ सबसे स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये दोनों ऑप्शन गेम से बाहर होगा, ठीक है। तो फोर्थ इन दोनों में आ रहा है, उसके बाद सबसे इससे कम स्टेबल कौन होगा, जिसके ऊपर, अब देखो इस पर माइनस आई है, इस पर माइनस आई है, इस पर भी माइनस आई है। अब तुम्हें चेक ये करना है बस, इन दोनों में किस पे माइनस आई वाला ग्रुप कम है, तो भाई सेकंड वाले पे कम है, इसका मतलब सेकंड वाला स्टेबल होगा। तो फोर्थ के बाद सेकंड आ गया, अब आपको ऑप्शन मिल गया, हिंट, समझ गए बात को। तो मतलब फिर थर्ड आएगा, थर्ड क्यों आएगा, क्योंकि इसमें माइनस आई वाला है बट वो क्लोरीन है,
ठीक है, क्लोरीन कमज़ोर होता है फ्लोरीन से, इसलिए तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट। समझ में आया? ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसका नाम लिखना है। तो यार ये देखो, सबसे पहले ये आपका सी डब्ल्यू एच कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसको पहले सही से लिखता हूँ मैं। सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच। मैंने इस ग्रुप को थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। अब आपको एक ग्रुप पता होगा कि जो सी डब्ल्यू एच है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड देन कीटोन, है ना। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा, लेट मी चेंज कलर विद रेड। सो 1 2 3 4 5 किधर है भाई? 4 पे आ रहा है कीटोन, तो कीटोन किस पे आएगा आपका प्रीफिक्स के अंदर, तो जैसे हम लिखेंगे 4, आप कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो। आई एम राइटिंग 4 ऑक्सो। उसके बाद फिर कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन ये हटा देंगे पहले कार्बन पे, तो 1 ओइक एसिड सफिक लगाएंगे सी डब्ल्यू एच, फिर विल बी 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। सो 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड टी शुड बी। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई नीट का है, मैंने डाल दिया था ये। अब आपको बताया ना सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है। अब आपको पता है जो कार्बोकटाइन है, जैसे मैंने पीछे ही बताया था कि कार्बोकटाइन जो है वो डायरेक्टली है प्लस आई के और इन्वर्सली है माइनस आई के, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको ग्रुप पहचानना पड़ेगा, तो NO2 माइनस आई वाला होता है, ठीक है दोनों। अब तो ये सब में माइनस आई वाला आप कैसे देखेंगे, तब हम यूज़ करते हैं DNP। DNP मतलब हम देखते हैं पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। पावर जब ग्रुप अलग होते हैं तो पावर चेक करेंगे नहीं, नंबर जब ग्रुप्स का काउंट अलग होता है ना, काउंट भी सेम है तो हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का क्या खेल रहेगा भाई, डिस्टेंस का खेल रहेगा सारा कुछ ऐसा कि जहाँ, अब देखो आपको पता है कि माइनस आई वाला जो है वो कार्बोकटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा, तो हम क्या चाहते हैं माइनस आई वाले की, देखो जितना ज़्यादा माइनस आई होता है उतना स्टेबिलिटी इसका कम हो जाएगा, तो हम चाहते हैं। और डिस्टेंस भी फिर इसका क्या होगा, अगर जितना माइनस आई वाला उसका डिस्टेंस ज़्यादा कम होगा तभी तो अटैक कर पाएगा, तो हम क्या चाहते हैं कि माइनस आई फैक्ट कम बैठे और स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कहाँ कम है वो देखना है। देखो यहाँ पर 1 2 यहाँ पे कार्बन का डायन है, तो यहाँ पे लगभग 1 2 कार्बन बाद 2 कार्बन का डिस्टेंस है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो एक ही कार्बन का है, सबसे कम स्टेबल ये होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक ही कार्बन का डिस्टेंस है, उसके बाद ये होगा। अब इन दोनों में देखना है, तो यहाँ पे है 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन का डिस्टेंस, मतलब डी शुड बी और यू कैन से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपको देखनी है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख ली, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए ना, हमें देखनी है डिस्टेंस किस में ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना माइनस आई इफेक्ट कम होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। समझ में आ गया? सिंपल सा खेल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह सो हमने इस लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। उसके बाद आपको लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में, बाकी आप यहाँ से इसको भी सर्च कर सकते हो और या इंस्टा पर भी फॉलो कर लो प्लीज़। ओके तो मैंने इंस्टा स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो अपनी क्वेरी पूछने के लिए। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको क्या क्या फॉलो करना है वही फॉलो करना है। NFSU का एंट्रेंस आपका काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कमेंट्स में, यार JEE मेंस लेवल का आता है, ठीक है, और लेवल मतलब सेम तो नहीं रहता, उससे थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा सा, इसलिए कैरो लगाया है, ठीक है, इतना करना है। समझ गए बात को, जैसा उन्होंने लिखा भी है। ओके सो एट लास्ट यही है, बाकी मैं ट्राई करूँगा, एप्टीट्यूड भी है उसके अंदर, तो एप्टीट्यूड की वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।